गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन. चिल्ड्रेन वी वर डूइंग चैप्टर 9 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. वी हैव डन पेज नंबर 77. दैट इज़ हाउ टू स्टार्ट एमएस वर्ड. 78, 79. इट्स ऑल अबाउट वर्ड विंडो, क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट. देन हाउ टू एंटर टेक्स्ट, पेज 80. How to select the text in a document, page number 81. Now today we are going to do page number 82. We'll start from page 82. That is formatting text. बेटा आपको अब टेक्स्ट सेलेक्ट करना आ गया. अब फॉर्मेट कैसे करना है? क्योंकि बच्चे जब आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं तभी आप फॉर्मेट कर पाते हैं. यानी फॉर्मेटिंग, कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है या टेक्स्ट पे कोई भी ऑपरेशन करना है, यानी कोई भी काम करना है टेक्स्ट पे, टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना है, टेक्स्ट का साइज चेंज करना है, कलर चेंज करना है या हाईलाइट कुछ भी करना है, तो पहले आप उसको सेलेक्ट करते हैं. फर्स्ट स्टेप क्या है? उसको बोल्ड बनाना है या अंडरलाइन करना है. टेक्स्ट को सेलेक्ट करना ही पहला स्टेप है. ठीक है? So formatting text, formatting means making any changes to the text and document so that it should look attractive and beautiful. Text में, document में कोई भी changes करना, ऐसे changes जिससे कि text आपका attractive और beautiful लगे, इसको हम बोलते हैं formatting. You can format text by modifying the font, font size and color, making it bold, underline or italicize, changing the alignment of the text, etc. Now we will learn the different ways of formatting the text. मैंने आपको पहले भी बोला टेक्स्ट फॉर्मेट करने का मतलब क्या है. आप मॉडिफाई करो. मॉडिफाई मतलब चेंज करो. क्या चेंज करोगे? आप फॉन्ट को चेंज करोगे, फॉन्ट साइज को चेंज करोगे, फॉन्ट का कलर चेंज करोगे, उसको बोल्ड करोगे, अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिक्स में लिख सकते हैं. देन यू कैन चेंज द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट लेफ्ट साइड है वो या राइट मार्जिन पे हो या बीचों बीच आए या लेफ्ट राइट दोनों मार्जिन के साइड हो, जस्टिफाई बोलते हैं उसको, राइट? सो डिफरेंट अलाइनमेंट्स हम चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट के, जैसा चाहें वैसे, अकॉर्डिंग टू योर नीड. ठीक है, अब हम अलग अलग वेज लर्न करेंगे टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के. द फर्स्ट इज चेंजिंग फॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट. टेक्स्ट का फॉन्ट कैसे चेंज करते हैं? फॉन्ट चेंज करना मतलब फॉन्ट स्टाइल चेंज करना. सो स्टेप वन, सबसे पहले मैंने आपको बोला किसी भी फॉर्मेटिंग के लिए पहला स्टेप क्या होता है, सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वॉन्ट टू चेंज टू अ डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल. सबसे पहले आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे. देखिए एरो बनाया हुआ है आपकी बुक में, इतना क्लियरली एक एक स्टेप लेबल्ड है. सो फर्स्ट स्टेप का एरो आपका बना हुआ है सिलेक्शन पे. ये देखिए AMB को सेलेक्ट किया हुआ है इसको, राइट? सेकेंड स्टेप, क्लिक ऑन होम टैब ऑन द रिबन. सेलेक्ट करने के बाद आप रिबन पे जो होम टैब है, ये दिस इज रिबन, रिबन पे जो होम टैब है इसको सेलेक्ट करेंगे. ठीक है, जब आपने होम टैब को सेलेक्ट किया तो नीचे आपके फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आ जाएंगे. होम टैब सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए ड्रॉप डाउन एरो है फॉन्ट स्टाइल का, जहाँ पे एक फॉन्ट दिया हुआ है उसके बगल में एक ड्रॉप कैलिब्री लिखा है ना, या ड्रॉप डाउन एरो आ रहा है, इसमें एक लिस्ट आ जाएगी. अगर जैसे ही आपने ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक किया तो वन लिस्ट विल कम, उसमें से आप जैसा चाहिए वैसा फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको जो सूट करता है अपने डॉक्यूमेंट के लिए वो. ओके, क्लिक ऑन द फॉन्ट यू वांट टू यूज. द टेक्स्ट यू सेलेक्टेड इज चेंज्ड टू द न्यू फॉन्ट. जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ था वो न्यू फॉन्ट में चेंज हो जाएगा, नए फॉन्ट स्टाइल में आ जाएगा. और उसको डीसेलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, जो सेलेक्टेड एरिया है उसके अलावा किसी भी जगह पे एक क्लिक कर देंगे तो जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो डीसेलेक्ट हो जाएगा, यानी सेलेक्शन हट जाएगा. ओके,
नीचे आपको एक ऑरेंज बॉक्स गिवन है पेज नंबर 82 पे, अपडेट योर नॉलेज. अ फॉन्ट इज अ टाइप फेस दैट डिफाइंस द शेप ऑफ ईच कैरेक्टर. फॉन्ट क्या होता है? टाइप फेस होता है जो कैरेक्टर का शेप डिसाइड करता है, डिफाइन करता है. आपका कैरेक्टर कैसा दिखेगा ये फॉन्ट से पता चलता है, यानी आपने जो फॉन्ट सेलेक्ट किया है उसी के अकॉर्डिंग आपके कैरेक्टर के शेप्स दिखते हैं. ओके, जैसे एग्जांपल टाइम्स न्यू रोमन इज़ अ टाइप फेस, देन कैलिब्री, और भी बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल्स हैं. ठीक है बेटा. देन चेंजिंग साइज ऑफ द टेक्स्ट, आप टेक्स्ट का साइज भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट. स्टेप वन, सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वॉन्ट टू चेंज टू अ न्यू फॉन्ट साइज. आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए जिसको आपको चेंज करना है न्यू फॉन्ट स्टाइल में, साइज में. सॉरी, स्टाइल तो आप पहले चेंज कर चुके हैं, अब साइज चेंज करना है. ठीक है, तो आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए. जहां आपने फॉन्ट स्टाइल चेंज किया था बेटा, उसी के बगल में एक बॉक्स में नंबर गिवन है, तो आप एरो की से नीचे जाइए नंबर्स में, और आप उसमें साइज, जो भी नंबर आपको जिस साइज का वो चाहिए उसको सेलेक्ट कर लीजिए. क्लिक ऑन होम टैब. अब एरो देखो बेटा, होम टैब पे क्लिक करोगे तभी आप फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आपको मिलेंगे, और फॉन्ट स्टाइल के जस्ट बगल में फॉन्ट नंबर वाला ऑप्शन भी है, उसमें एरो की है. ठीक है, एरो की पे प्रेस करेंगे तो साइज आ जाएगा, जो भी साइज आपको यूज़ करना है आप उसको सेलेक्ट करेंगे. ओके, द टेक्स्ट यू सेलेक्टेड इज चेंज्ड टू द न्यू साइज. जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है वो न्यू साइज में चेंज हो जाएगा. ओके, फिर से सिलेक्शन हटाने के लिए क्या करोगे आप, उस टेक्स्ट के अलावा के एरिया में कहीं पे भी आप क्लिक करोगे तो सिलेक्शन हट जाएगा. चेंजिंग द टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक्स और अंडरलाइन. यू कैन मेक योर टेक्स्ट बोल्ड और इटैलिसाइज और अंडरलाइन टू एम्फसाइज इन्फॉर्मेशन इन योर डॉक्यूमेंट. आप बेटा, आप कहीं पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको बोल्ड करनी है आपके डॉक्यूमेंट में, हाईलाइट करनी है कि भाई वो अलग से दिखे, तो आप किसी इन्फॉर्मेशन को अलग से दिखाने के लिए क्या करते हैं, वो उसको या तो बोल्ड कर देंगे या इटैलिक्स कर देंगे, राइट? या तो बोल्ड, सॉरी, इसको बोल्ड कर देंगे या इटैलिक्स कर देंगे या अंडरलाइन कर देंगे टू एम्फसाइज इन्फॉर्मेशन इन योर डॉक्यूमेंट, है ना? तो बेटा ये मैं पेज आपको स्वाइप करना भूल गई थी, पेज 83 पे चेंजिंग साइज ऑफ द टेक्स्ट ये हमने कर लिया है. टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, होम टैब पे क्लिक करना है, फॉन्ट साइज जो बटन है उसमें एरो की, डाउन एरो की है, उस पर क्लिक करना है, फिर जो साइज आपको चाहिए उस साइज को चूज करना है. ठीक है, और बोल्ड इटैलिक्स करने के लिए भी क्या करना है, जिस टेक्स्ट को बोल्ड या इटैलिक्स या अंडरलाइन करना है उसको पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर होम टैब पे क्लिक करेंगे. होम टैब पे बटन्स बने हुए हैं, जो बी बटन है ये देखिए, मैं आपको बड़ा सा करके दिखाती हूँ, जो बी बटन है ये बोल्ड करने के लिए, अगर आपको बोल्ड करना है, बोल्ड मतलब वो मोटा मोटा आ जाएगा, बोल्ड करना है तो बी पे प्रेस करेंगे, अगर आपको इटैलिक्स करना है यानी टेढ़ा करना है टेक्स्ट को तो आई पे क्लिक करेंगे, अंडरलाइन करना है वो टेक्स्ट तो क्या करेंगे, यू पे क्लिक करेंगे, तो पूरे टेक्स्ट के नीचे जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है अंडरलाइन आ जाएगी. आपकी बुक में बेटा ये करा हुआ देखिए, जहाँ बोल्ड लिखा है वहाँ बोल्ड कैसा आता है वो भी शो कर रहे हैं, इटैलिक्स लिखा है उसके आगे इटैलिक लिखा हुआ भी शो कर रहे हैं कि किस तरीके से लिख के आएगा, अंडरलाइन में नीचे अंडरलाइन आ जाएगी. अगर आपने बोल्ड और इटैलिक्स दोनों किया तो वो मोटा तो हो जाएगा और साथ में टेढ़ा भी हो जाएगा, ठीक है, इंक्लाइंड भी रहेगा. अंडरलाइन भी कर दिया तो नीचे लाइन भी आ जाएगी, तो जो आप सेलेक्ट करोगे वो होता जाएगा आपके टेक्स्ट में. ओके, टर्न टू पेज 84. देखो, द टेक्स्ट यू सेलेक्टेड अपीयर्स इन द न्यू स्टाइल. जो स्टाइल आपने चूज किया टेक्स्ट उसी स्टाइल में दिखने लग गया. अगर आपने इटैलिक्स किया तो वो इटैलिक्स दिखने लग गया. ये एग्जांपल आपको इटैलिक्स स्टाइल दिखा रहा है, और इटैलिक्स और बोल्ड दोनों दिखा रहा है शायद. तो रिमूव द बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन. आपको अगर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कोई भी आपको रिमूव करना है या जो किया है उसको रिमूव करना है सिंपली, तो आप
रिपीट करेंगे स्टेप 1, 2, 3, यानी कि टेक्स्ट को सेलेक्ट करना, रिपीट करेंगे और जाके उस बटन पे होम पे क्लिक करेंगे, होम टैब। होम टैब पे क्लिक करने के बाद नीचे बटन्स में अब दोबारा से उस बटन को क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा, ठीक है। ऐसे बटन्स को बोलते हैं टॉगल बटन्स, यानी एक बार प्रेस किया तो वो ऑन हो गया, दूसरी बार प्रेस किया तो वो ऑफ हो जाएगा, ओके। आप कीबोर्ड शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन करने के लिए। क्या कीबोर्ड शॉर्टकट्स होते हैं? कंट्रोल बी आपका कीबोर्ड शॉर्टकट है, यानी शॉर्टकट की है फॉर्मेट, बोल्ड फॉर्मेटिंग के लिए, यानी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो। या लेकिन तब भी बेटा, उस केस में भी आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे आप, जिस टेक्स्ट को बोल्ड या इटैलिक या अंडरलाइन करना है उसको सेलेक्ट करोगे, फिर शॉर्टकट की डायरेक्टली प्रेस कर दोगे। कंट्रोल प्लस बी किया तो वो बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल प्लस आई किया तो वो इटैलिक हो जाएगा, कंट्रोल प्लस यू किया तो वो अंडरलाइन हो जाएगा। जब तक सिलेक्शन नहीं हटेगा, आपको लगता है नहीं बोल्ड अच्छा नहीं लग रहा, आप वापस से कंट्रोल प्लस बी कर दो, तो आप सेकेंड टाइम में कंट्रोल प्लस बी दोबारा किया तो बोल्ड हट जाएगा। और सिलेक्शन हटाने के लिए साइड में जो सिलेक्टेड एरिया नहीं है उसमें कहीं पे भी क्लिक करोगे आप तो सिलेक्शन हट जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज चेंजिंग कलर ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करेंगे? फिर से वही है बच्चे, टेक्स्ट को जिसको फॉर्मेट करना है उसको सेलेक्ट करना होगा, यानी जिस टेक्स्ट का कलर आप अलग चाहते हो, अगर सारे का नहीं चाहते, कुछ का अलग चाहते हो कुछ का अलग, तो सारे का चाहते हो तब तो आप पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लोगे। तो पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ए, वो पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेता है। पर अगर आपको कम डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, सिर्फ कुछ कुछ वर्ड्स अलग कलर से चाह रहे हो जिससे कि वो अलग से दिखें, तो आप सेलेक्ट करोगे टेक्स्ट जिसको फॉर्मेट करना है, फिर होम टैब पे क्लिक करोगे। होम टैब पे क्लिक करने के बाद बेटा फॉन्ट कलर ऑप्शन है, ये ए, ए के नीचे लाइन बनी हुई है, इसके बगल में ड्रॉप डाउन बॉक्स है। जब आप ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करोगे तो आपको ये कलर पैलेट ओपन हो जाएगी, खूब सारे कलर्स हैं, इसमें आपको जो कलर चाहिए आप कि फॉन्ट का ये कलर हो, यानी लिखा हुआ इस कलर में आए, तो उसको आप कलर को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। क्लिक ऑन एनी कलर, जब आपने कलर पे क्लिक कर लिया, वर्ड अप्लाइज द सेलेक्टेड कलर टू द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट सेलेक्टेड है वो सेलेक्टेड कलर, जो आपने कलर सेलेक्ट किया है वो सेलेक्टेड टेक्स्ट पे दिखने लगेगा वो कलर। इन द एग्जाम्पल वी हैव अप्लाइड रेड कलर टू द टेक्स्ट, इस एग्जाम्पल में हमने टेक्स्ट को कौन सा कलर अप्लाई किया है? रेड कलर, ओके। नाउ नेक्स्ट इज पेज नंबर 85, सेविंग अ डॉक्यूमेंट। आपने एक डॉक्यूमेंट बना लिया, टाइप कर दिया, अब उसको सेव कैसे करोगे? डॉक्यूमेंट मस्ट बी सेव्ड इनटू द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर फॉर इट्स फ्यूचर यूज़। कोई डॉक्यूमेंट आपने बनाया और उसको दोबारा यूज़ करने के लिए सेव करना ज़रूरी है, सेव कैसे करोगे? और जब भी आपने सेव कर लिया एक बार, तो आप उसको कभी भी रिव्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, दोबारा फ्यूचर में कभी चेंजेस करना चाहें या दोबारा से उसको देखना चाहें, यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। अगेन यू कैन यूज़ इट इन द फ्यूचर। आपको कैसे करना है सेव? क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट, पूरा बन गया, क्लिक ऑन फाइल टैब, आपको फाइल टैब पे क्लिक करना है। आपकी बुक में एकदम क्लियरली फाइल टैब दिख रहा है, अदरवाइज़ ये है, फाइल टैब पे क्लिक करेंगे आप, होम के जस्ट बगल में है फाइल टैब। जब फाइल टैब पे क्लिक करेंगे तो एक बैक स्टेज व्यू ओपन हो जाता है, ये देखो आप, बैक स्टेज व्यू विल अपीयर, ऐसे एक बॉक्स सा बन जाता है, वो सेकंड पिक्चर में दिख रहा है बैक स्टेज व्यू, ठीक है। ऐसे एक मेन्यू सा आया, इस मेन्यू में सेव पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन द सेव और सेव एज बटन, सेव पे क्लिक करेंगे तो बस डॉक्यूमेंट अगर नाम से पहले सेव नहीं किया हुआ तो वो सेव हो जाएगा। अगर किसी नाम से पहले सेव है, आप चाहते हो कि ये कॉपी तो रह ही रहे, एक और जगह दूसरे नाम से भी कॉपी बन जाए, तो आपको सेव एज पे क्लिक करना है, ठीक है। सेव दोनों करते हैं,
ठीक है, क्लिक ऑन द सेव और सेव एज बटन. यू कैन इवन क्लिक द सेव बटन ऑन क्विक एक्सेस टूल बार. किसी भी फाइल को सेव करने के लिए अगर आप फाइल पे टैब पे क्लिक ना करें तो बेटा क्विक एक्सेस टूल बार में सेव बटन भी है, जो फ्लॉपी जैसी बनी हुई है, ये सेव बटन है. सेव बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं फाइल को सेव करने के लिए. जब आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जो कि आपकी थर्ड पिक्चर है. ये आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स है. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सेव एज डायलॉग बॉक्स जब ओपन हो गया तो नंबर थ्री स्टेप क्या है, क्लिक ऑन दीज एरियाज टू नेविगेट टू द फोल्डर इन विच यू वॉन्ट टू सेव द फाइल. आपका फोल्डर कहाँ है जहाँ आप फाइल सेव करना चाहते हैं, वो इन एरियाज, डेस्कटॉप पे है वो फोल्डर या डाउनलोड्स पे है या डॉक्यूमेंट्स में है, कहाँ है आपका फोल्डर, इनमें से वो एरिया सेलेक्ट करेंगे जहाँ आपका फोल्डर है. तो यानी आपको क्लिक करते करते वो फोल्डर ओपन करना है. जब आपका फोल्डर ओपन हो गया तो फाइल नेम, आपको क्लिक इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स, फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स के पे क्लिक करना है और टाइप करना है जो नाम आप, जिस नाम से फाइल को सेव करना चाहते हैं. टाइप करने के बाद क्या करेंगे, फिफ्थ स्टेप, क्लिक ऑन सेव. यहाँ पे देखिए फाइल नेम बॉक्स पे क्लिक किया, फिर माई स्टोरी लिखा वहाँ पे, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये सेव बटन पे क्लिक करना, क्लिक ऑन सेव बटन. तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी, वर्ड सेव्स द फाइल एंड न्यू फाइल नेम अपीयर्स ऑन द टाइटल बार. अब आपने फाइल को जो नया नाम दिया टाइटल बार में, डॉक्यूमेंट वन की जगह वो नाम दिखने लगेगा. ओके बेटा, डू यू नो फाइल क्रिएटेड इन वर्ड 2010, वर्ड 2010 में जो फाइल बनती है इज सेव्ड विद द एक्सटेंशन .docx. यानी जो फाइल वर्ड 2010 में बनती है उसका एक्सटेंशन क्या है, .docx. ओके, और एक कीबोर्ड शॉर्टकट भी है फाइल को सेव करने का. एक तो आपको शॉर्टकट बताया जो क्विक एक्सेस टूल बार पे फ्लॉपी बटन है, एक शॉर्टकट है कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+S. कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, Ctrl+S. अच्छा, अब आपने डॉक्यूमेंट सेव करना सीख लिया. नेक्स्ट पेज नंबर 86 पे ओपनिंग अ सेव डॉक्यूमेंट. जो डॉक्यूमेंट आपने ऑलरेडी सेव कर लिया उसको ओपन कैसे करते हैं, जो डॉक्यूमेंट सेव किया हुआ है उसको कभी भी आप देख सकते हैं ना, कैसे देखेंगे, फाइल टैब पे जाइए, बैक स्टेज व्यू अपीयर हो जाएगा, उस पर ओपन बटन पे जाइए, फाइल पे जाइए, फाइल टैब, फिर ओपन बटन पे, ओपन ऑप्शन पे जब आपने क्लिक किया तो ये खुल गया, रीसेंट डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं उसमें लिस्ट. अगर आपने तुरंत ही थोड़े टाइम पहले ही डॉक्यूमेंट को ओपन किया है तो वो साइड में शो होता है. ठीक है, रीसेंटली ओपन डॉक्यूमेंट्स अपीयर एंड यू कैन क्लिक एनी ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स टू ओपन देम. अगर उस डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो उस पर किसी भी क्लिक कर सकते हैं जिसको ओपन करना है. अगर उसको नहीं ओपन करना, जैसे ही आपने ओपन बटन पे क्लिक किया क्या होगा, ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. ये है आपका ओपन डायलॉग बॉक्स. फिर आपकी फाइल किस फोल्डर में है, क्या लोकेशन है आपकी फाइल का, डेस्कटॉप पे है या डाउनलोड्स में है या डॉक्यूमेंट्स में है, या हो सकता है कि नीचे और सी ड्राइव डी ड्राइव ऐसे दिया हो. जहाँ पे भी आपकी फ़ाइल है उस पर क्लिक करिए, उसके अंदर की फाइल्स भी आ जाएंगी, उस पर भी क्लिक करिए, जहाँ आपने सेव की है वहाँ ओपन हो जाएगा. देखिए, क्लिक ऑन द एरियाज टू नेविगेट टू द फोल्डर वेयर यू स्टोर द फाइल. फिर देन आफ्टर दैट वो, अगर आपने सोची डॉक्यूमेंट्स में सेव किया, डॉक्यूमेंट्स क्लिक किया, तो यहाँ पे यही हुआ है ना, डॉक्यूमेंट्स क्लिक किया है तो जितनी डॉक्यूमेंट्स में फ़ाइल है वो ओपन हो गए. इसमें से जो आपकी फ़ाइल है, जैसे आपने माई स्टोरी सेव किया था तो माई स्टोरी पे क्लिक किया, माई स्टोरी को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे आप, ओपन पे क्लिक करेंगे. नेक्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन द नेम ऑफ द फाइल दैट यू वॉन्ट टू ओपन एंड स्टेप नंबर 5 इज क्लिक ऑन ओपन. तो आपकी प्रोग्राम विंडो पे वो फाइल ओपन हो जाएगी. अगर आप ओपन होम फाइल ऑप्शन
फाइल टैब पे क्लिक करके तब ओपन ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे, शॉर्टकट की है कीबोर्ड की, दैट इज़ कंट्रोल प्लस ओ। ठीक है, आपका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ओ। प्रेस करेंगे तो डॉक सेव्ड डॉक्यूमेंट आपका ओपन होने के लिए ओपन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट पेज नंबर 87 है क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट। आफ्टर फिनिशिंग योर वर्क यू मस्ट क्लोज द डॉक्यूमेंट। जब आपने काम ख़त्म कर लिया है तो आपको डॉक्यूमेंट क्लोज भी करना है। क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट विल नॉट क्लोज योर वर्ड विंडो। डॉक्यूमेंट क्लोज करने से आपकी वर्ड विंडो क्लोज नहीं होगी। ठीक है, वर्ड विंडो क्लोज करने के लिए आपको एग्जिट करना पड़ता है एमएस वर्ड से। टू क्लोज वर्ड विंडो यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम एमएस वर्ड। आप कैसे करते हैं क्लोज, क्लिक ऑन फाइल टैब, फाइल टैब पे क्लिक करेंगे और उसमें क्लोज ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्लोज, क्लिक ऑन दी क्लोज बटन, तो जो डॉक्यूमेंट ओपन है वो डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा, इससे वर्ड नहीं क्लोज होगा। ठीक है, वर्ड विंडो कैसे क्लोज होती है, एग्जिटिंग वर्ड। टू एग्जिट फ्रॉम वर्ड विंडो यू हैव टू परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले फाइल टैब पे जाएंगे। ठीक है, फाइल टैब पे क्लिक किया और सबसे नीचे बटन है एग्जिट बटन। फाइल क्लोज करने के लिए आपने क्लोज पे क्लिक किया था। ठीक, एग्जिट करने के लिए, वर्ड से बाहर निकलने के लिए, वर्ड को बंद करने के लिए आप एग्जिट बटन पे क्लिक करेंगे। जब आप एग्जिट बटन पे क्लिक करेंगे, वर्ड एग्जिट्स एंड द डेस्कटॉप अपीयर्स। वर्ड एग्जिट्स मतलब वर्ड डॉक्यूमेंट बंद हो जाएगा। वर्ड जो एमएस वर्ड ओपन है वो बंद हो जाएगा और क्या दिखने लगेगा, डेस्कटॉप। क्या शो होने लगेगा, डेस्कटॉप अपीयर हो जाएगा। ओके, नाउ हियर वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। नाउ ड्यूरिंग द नेक्स्ट क्लास आई विल गिव यू द रिटन वर्क ऑफ द चैप्टर। चिल्ड्रन, नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू मे आस्क मी। ओके, आपको किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन है और आपके पास लैपटॉप और डेस्कटॉप है तो प्लीज़ इन सब का प्रैक्टिकल करिए, और अगर नहीं है तो किसी नेबर के पास है तो आप उनके पास जाके भी कर सकते हैं, उनकी हेल्प लेके प्रैक्टिस। बेटा, प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नाउ आई विल गिव यू सम प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स टू। ओके, थैंक यू चिल्ड्रेन, हैव अ नाइस डे।